आईपीएल 2022 की नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने जा रही है। यह आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी नीलामी होगी जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही। बीसीसीआई ने कुल 590 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिन पर बेंगलुरु में 2 दिन तक बोली लगाई जाएगी। चलिए जानते हैं कि इस बार के ऑक्शन में क्या होगा नया, किस टीम के पास है कितना पैसा और कौन से खिलाड़ी हुए रिटेन। आईपीएल 2022 के लिए कुल 1214 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिनमें 896 भारतीय और 318 विदेशी खिलाड़ी थे, लेकिन इस बार की आईपीएल नीलामी के लिए सिर्फ बीसीसीआई ने कुल 590 प्लेयर्स को ही शॉर्टलिस्ट किया है जिनमें 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। अब आपको बताते हैं कि खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइस क्या है। इस बार के आईपीएल की नीलामी में 2 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा बेस प्राइस रखी गई है। इसका मतलब है कि इस बेस प्राइस में शामिल खिलाड़ियों की बोली 2 करोड़ रुपए से शुरू होगी। इस बेस प्राइज में 17 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे रवि अश्विन, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार जैसे कई प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। और इस बेस प्राइज की कैटेगरी में 31 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि 8 पुरानी टीमों के पास नीलामी से पहले ही अपनी टीमों में शामिल खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखने यानी कि रिटेन करने का मौका था। वहीं 2 नई टीमों के पास नीलामी से पहले कुछ खिलाड़ियों को खरीदने का मौका था। नीलामी से पहले 8 टीमों ने कुल मिलाकर 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया जबकि 2 नई टीमों ने 6 नए खिलाड़ियों को साइन किया। बात करें 2 नई टीमों की तो लखनऊ ने केएल राहुल को कप्तान बनाया है जबकि अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को कप्तान चुना है। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ को संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने 7090 करोड़ रुपए में खरीदा है और वहीं अहमदाबाद को सीवीसी कैपिटल ग्रुप ने 5625 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब जानते हैं कि हर टीम के पास नीलामी के लिए था कुल कितना पैसा। तो आपको बता दें कि प्रत्येक टीम के पास नीलामी के लिए 90 करोड़ रुपए थे। इनमें से नीलामी से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने या साइन करने पर खर्च हुआ पैसा घट जाता है और बाकी हुई रकम से आप टीम में नीलामी कर सकते हैं। अब अंत में आपको बताते जाते हैं कि आईपीएल 2022 नीलामी में शामिल सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो है अफगानिस्तान के 17 साल के स्पिनर नूर अहमद। उन्होंने 15 साल की उम्र में बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया था और जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है वो है साउथ अफ्रीका के 42 वर्षीय स्पिनर इमरान ताहिर। अब आप इस साल होने वाले आईपीएल को लेकर कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।